प्रदेश में 2011 में पास एसटीटी पास अभ्यर्थियों ने पटना के गर्दनीबाग में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। यह सभी उच्चतर माध्यमिक के अभ्यर्थी हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार कोर्ट का हवाला देकर उनकी नियुक्ति नहीं कर रही है, जबकि कोर्ट का वैसा कोई आदेश ही नहीं है। अभ्यर्थियों का कहना है कि 2011 में यह एसटीटी पास कर चुके हैं और इनकी फरवरी में होने वाली थी, और लेकिन सरकार ने उनके पूरे शेड्यूल को बदल दिया है। अब उनके सामने करो या मरो की स्थिति है। उन्होंने राज्य मुख्यमंत्री से यानी जल्द नियुक्ति की घोषणा करने की मांग की है। इस पर हमारे संवाददाता मरकूब आलम ने अभ्यर्थियों से बातचीत की। इनका भी संघर्ष है 2011 साल और 11 साल से ये संघर्ष कर रहे हैं। हम बात इनसे करेंगे कि आखिर ऐसी परिस्थिति क्यों आई कि 11 साल से ये स्थिति पास करने के बाद भी इन्हें नौकरी नहीं मिली। आज पटना के गर्दनीबाग में 2011 के बैच जो है स्थिति के उनका धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। ये नज़ारा पटना के गर्दनीबाग का है। और अब सवाल सीधा है कि 2011 में जब इन्होंने उत्तीर्ण परीक्षा बहाल पास की तो फिर इनकी बहाली क्यों नहीं हुई? इनसे बात करने की कोशिश करने की कोशिश करेंगे। आखिर क्या है, आप दिव्यांग हैं क्या? जी जी सर, 2011 में एस्टेट हम लोग पास किए थे, ठीक है। उसके बाद सर जो है हम लोग ने 14-15 सेशन में बीएड भी कर लिया। उसके बाद सर जो है ये नोटिफिकेशन आई 2019 की एस्टेट यानी छठा चरण के हम लोग अभ्यर्थी। छठा चरण में हम लोग जब नोटिफिकेशन आई यानी विभिन्न नियोजन इकाई में हम लोग ने फॉर्म डाला। करीब करीब जो है 38 नियोजन इकाई में हमने फॉर्म डाला। कारण क्या कहा गया, बताया गया? अभी सर आपकी नियुक्ति क्यों नहीं हुई? सर विभिन्न कारण सर है। शिक्षा विभाग अभी तक सर 16 बार जो है शेड्यूल को चेंज किया जा रहा है। सिर्फ शेड्यूल ही चेंज हो रहा है, उनके पास जो है रोकने लगाने का विभिन्न तरह का कारण। और लोगों की तो नियुक्ति हुई ना, आपकी क्यों नहीं? नहीं सर, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक में किसी की भी नियुक्ति नहीं हुई। प्राइमरी की हो गई है लेकिन माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक का तो नियुक्ति होना था 18 को। जी जी बिल्कुल। तो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आया ना? नहीं, माननीय उच्च न्यायालय का 34 पेज का है, हम लोग ने स्टडी किया और उस स्टडी में कहीं भी स्टेक ऑर्डर नहीं है। कंसीडर ऑफ गवर्नमेंट, सरकार तो बोल रही है कि हम जाएंगे फिर न्यायालय में। नहीं, सरकार को विचार करने के लिए न्यायालय ने कहा, मगर सरकार की मंशा अच्छी नहीं है। वो चाहते नहीं है कि हम लोग रोके। इनकी मांग है कि इनकी नियुक्ति होनी चाहिए और ये चाह रहे हैं कि इनकी नियुक्ति आपकी नियुक्ति होनी चाहिए। जी सर, हमारी नियुक्ति होनी चाहिए। करेंगे नीतीश कुमार हमारे नियुक्ति पर डेट, जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है, जो सिलेक्टेड नहीं है उसका जहाँ जहाँ काउंसलिंग नहीं है, क्या चाहते हैं? हम लोगों का एक ही मांग है, हम लोगों का अविलंब नियुक्ति पत्र जारी होना चाहिए। अगर नियुक्ति पत्र में शामिल है जो 18 तारीख को होना था। जी बिल्कुल। देखिए, उच्चतर माध्यमिक के लोग हैं, 2011 में इन्होंने एसटीटी पास किया और इन लोगों का 18 फरवरी को होना था, लेकिन सरकार ने शेड्यूल को चेंज कर दिया। सरकार ने यह हवाला दिया कि माननीय उच्च न्यायालय का कुछ आदेश है। इनका कहना है कि सरकार हमारी उम्र को देखते हुए, हमारी संघर्ष को देखते हुए सरकार तत्काल नियुक्ति की घोषणा करे और हमें जल्द नियुक्ति पत्र पर दे। सवाल सीधा है कि एक तरफ 2019 की स्थिति अभ्यर्थी हंगामा प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार लाठी खा रहे हैं, और 2011 के अभ्यर्थी भी रोड पर और सड़क पर हंगामा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार तत्काल इन्हें नियुक्ति पत्र देने की घोषणा करे। सहयोगी सुनील के साथ मरकूब आलम, कशिश न्यूज, पटना।